ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विदेश में जिस भी भारतीय ने राहुल गांधी को इस अंदाज में देखा, गदर फिल्म के सनी पाजी की याद आ गई। बस फर्क इतना था कि राहुल गांधी ड्राइवर की बजाय को पैसेंजर सीट पर सवार थे। चंडीगढ़ के बाद इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के बाहर न्यूयॉर्क में को पैसेंजर बनकर ट्रक में सवार हो गए और ड्राइवर को बोलकर गाना सुनाने की फरमाइश कर दी। राहुल ने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के साथ उसके ट्रक में वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का 190 किलोमीटर का सफर तय किया। इसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से राजनीति से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। राहुल गांधी 30 मई से अमेरिका की यात्रा पर है। इससे पहले भी राहुल गांधी अम्बाला में चंडीगढ़ का सफर ट्रक में तय कर चुके हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको बता दें, भारतीय मूल के एक ट्रक ड्राइवर तजिंदर सिंह के ट्रक में बैठकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 190 किलोमीटर का सफर तय किया। सफर के दौरान राहुल ने सिद्धू मूसेवाला का गाना भी सुना। ट्रक ड्राइवर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप मूसेवाला का गाना सुनेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसका गाना लगाओ, मैं उसे काफी पसंद करता था। राहुल गांधी ने सफर के दौरान तजिंदर से खूब बात की। इस दौरान राहुल वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क की पूरी यात्रा में राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के बगल वाली को पैसेंजर सीट पर बैठे रहे। राहुल ने कहा, भारत के मुकाबले अमेरिका के ट्रक ज्यादा आरामदायक है। हिंदुस्तान में जो ट्रक है उन्हें ड्राइवर के कम्फर्ट से कोई मतलब नहीं है, वे ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं बनाए गए हैं। ट्रक राइड के बाद राहुल ने एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। यहाँ राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ दोस्ती भरी बातें करते हुए दिखाई दिए। वहीं ट्रक में सफर के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तजिंदर से उनकी कमाई पूछी और जवाब सुनकर हैरान रह गए। तजिंदर ने बताया कि भारत के ट्रक ड्राइवरों के मुकाबले काफी कमा लेते हैं। रेट के हिसाब से ड्राइवरी करे तो 5 से 6 लाख रुपए बन जाते हैं। वहीं अपना ट्रक हो तो महीने में 8 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। ये जवाब सुनकर राहुल गांधी चौंक गए। आगे तजिंदर ने कहा कि अमेरिका में ट्रक चलाकर अच्छा खासा कमाया जा सकता है, जबकि भारत में ट्रक चलाने वाले ठीक से परिवार का पेट भी नहीं भर पाते। तजिंदर ने यह भी बताया कि अमेरिका में ट्रक चलाना इज्जत का काम है। इस दौरान राहुल गांधी ने तजिंदर से पूछा कि आप भारत के ट्रक ड्राइवर को क्या मैसेज देंगे। इस पर तजिंदर ने कहा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने बातचीत में कहा कि भारत में ट्रक चलाना दूसरी बात है, वहां ट्रक ड्राइवर का ट्रक नहीं होता, ट्रक दूसरे का होता है। इस पर तजिंदर ने राहुल गांधी को बताया कि यहां भी पैसे किसी के पास नहीं है, डाउन पेमेंट देकर ट्रक ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। भारत में लोन के लिए प्रॉपर्टी के पेपर की जरूरत होती है, गरीब के पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होते, इसलिए किसी का भी ट्रक चलाते रहते हैं। आपको बता दे, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने पिछले महीने अम्बाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया था। वो दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी, का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।